बचपन में हम सबने राजा रानियों की कहानियाँ सुनी हैं। इनकी सुंदरता की हमेशा से चर्चा होती रही है। हालांकि कई राजकुमारियों की सुंदरता की चर्चा आज भी होती है। इसी कड़ी में आज हम आपको एक ऐसी ही राजकुमारी के बारे में बताने जा रहे हैं जिनकी सुंदरता की दीवानी पूरी दुनिया थी। इतना ही नहीं, उन्हें फिल्मों का ऑफर भी मिला था। तो आइए जानते हैं आखिर कौन थी वो राजकुमारी और क्या है उनकी कहानी। हम जिस राजकुमारी की बात कर रहे हैं उनका नाम नीलोफर था। नीलोफर को सुंदरता की देवी भी कहा जाता है। मूल रूप से तुर्की के ओटमान राजसी वंश के नीलोफर की शादी दुनिया के सबसे धनी राज परिवार हैदराबाद निजाम के यहाँ हुई थी। इनका जन्म इस्तांबुल के राजसी महल में हुआ था। बताया जाता है कि जब नीलोफर का जन्म हुआ था तो उस समय तुर्की का राज परिवार आखिरी सांसें ले रहा था और साम्राज्य खत्म होने वाला था। नीलोफर जब 2 साल की थी तब उनके पिता का इंतकाल हो गया था। 7 साल की उम्र में वह अपनी माँ के साथ फ्रांस चली गई थी। इसके बाद उनकी जिंदगी काफी साधारण हो गई थी, लेकिन उनकी सुंदरता की चर्चा हर ओर होती थी, लिहाजा उन्हें हॉलीवुड से फिल्मों के लिए कई ऑफर भी मिले थे। लेकिन साल 1931 में उनकी शादी आजम जी के साथ हो गई और वह हैदराबाद शिफ्ट हो गई। एक रिपोर्ट के अनुसार नीलोफर केवल दिखने में ही सुंदर नहीं थी बल्कि उनमें आकर्षण भी गजब का था। बड़ी बात यह है कि जिस परिवार में उनकी शादी हुई वहाँ पर्दा का रिवाज था, लेकिन उन्होंने कभी पर्दा नहीं किया और महिलाओं के लिए सार्वजनिक जीवन का बंद दरवाजा भी खोला। वह पार्टियों में जाती थी और कार्यक्रमों में भी हिस्सा लेती थी। कई समारोह में तो उन्हें मुख्य अतिथि के तौर पर भी बुलाया जाता था। कहा जाता है कि नीलोफर के तौर तरीकों से बेगम दुल्हन पासा काफी नाराज रहती थी। एक समय भी ऐसा आया जब वो अपनी बहू को जहर देकर मारना चाहती थी। 1952 में नीलोफर का तलाक हो गया और उनके पति ने दूसरी शादी कर ली। वहीं नीलोफर हमेशा के लिए फ्रांस चली गई और बाद में उन्होंने एक अमेरिकी युवक के साथ शादी कर ली और साल 1989 में उनकी मौत हो गई।